प्रभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। प्रभो नंद कुमारोहम स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम न संशय। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरी। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर मम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। श्रीमद् आचार्य चरणम् शरणम् सर्वदेहिना समस्त दोष हननम् मस्तके राजता मम। गावो मे अग्रतः संतो गावो मे संतो पृष्ठतः, गावो मे हृदये संतो गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की, श्री मीरा गोपाल की, सब संत हरि भक्तों की, जगत जननी गौ माता की जय। हरि ओम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। Thank you.
Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal 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 Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Mero Pyaro Nand Lal Kishori Radhe, Kishori Radhe, Kishori Radhe,
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री सुरभ्यै नमः 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य चरण श्रीमद वल्लभ प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री मीरा गोपाल के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम। थोड़ा धीरे बोलिए। मेरा सौभाग्य है कि मंगलमय समय में इस जगत में जो परम मंगलमय हैं ऐसे भगवान के प्यारे भगवत भक्तों का चरित्र अपनी वाणी से कहने का अवसर ठाकुर जी ने दिया है। भगवान के भक्तों का चरित्र कहने में एक अपार सुख मिलता है। वो क्यों मिलता है इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता न समझ पाता हूं, लेकिन भगवान की कथा कहकर के भी जो सुख मुझे नहीं मिलता उससे भी ज्यादा सुख भगवान के भक्तों की कथा कहकर मिलता है। कल जब जा रहा था रास्ते में सोच रहा था कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती तो मेरे मन में जो सुख अनुभव हो रहा है वो आपको भी अनुभव कराऊं। लेकिन क्या कहें, भगवत सुख जो है वो गूंगे के गुड़ जैसा है। गूंगे का गुड़ बोलते हैं कि गूंगा व्यक्ति गुड़ खा सकता है, उसका स्वाद ले सकता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे कितना स्वाद आया।
खूब प्रसन्नता, खूब आनंद। थोड़ा तेज करो भाई। तो खूब आनंद, खूब प्रसन्नता का अनुभव मैं कर रहा हूं। बस श्री ठाकुर जी से यही विनंती करता हूं कि ऐसा मन हर समय बना रहे। बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि महाराज कथा सुनते समय जैसा मन होता है, कथा सुनने के बाद जैसा मन होता है, वैसा हर समय नहीं रहता है। यदि कथा सुनते समय जैसा मन रहता है, कथा सुनने के बाद जैसी मन की स्थिति रहती है, वैसी यदि हर समय रहने लग जाए, कहना ही क्या है। तो एक अद्भुत भगवत सुख हम लोग मीरा जी जी के चरित्र श्रवण से प्राप्त कर रहे हैं। कोई अन्य लंबी चौड़ी भूमिका न बना करके और सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा यात्रा अपनी पहुंची थी श्री मीरा जी जी को, गिरधर गोपाल प्राप्त हुए और मीरा जी गिरधर गोपाल को पति के रूप में मानने लगी। ठाकुर जी को भोग लगा के फिर प्रसाद लेती और जैसा जैसा ठाकुर जी का उत्सव होता वैसा वैसा मीरा जी अपना खुद का श्रृंगार करती, अपनी रुचि से मीरा जी ने बनना सवरना बंद कर दिया। मीरा जी जी का श्रृंगार, उनकी सब बातें सिर्फ कृष्ण सुख के लिए होती थी। भक्ति मार्ग की एक उच्चतम स्थिति है कि भक्त के जीवन की सब बातें सिर्फ भगवत सुख के लिए हो। उसका भोजन, उसका सोना, उसका उठना, उसका व्यवहार, सब कुछ ठाकुर जी के सुख के लिए हो। यदि हम लोग ठाकुर जी के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं, ठाकुर जी वश में हो जाते हैं, ठाकुर जी वश में हो जाते हैं। हालांकि हम लोगों को ठाकुर जी को कोई वश में करना नहीं है और हमें कोई उनको वश में करके कुछ करवाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ते हैं, भगवान हरदम उसके अंग संग रहते हैं। भक्ति मार्ग की एक बहुत ऊंची स्थिति है ठाकुर जी के लिए अपने सुख को छोड़ देना। याद आते हैं चैतन्य महाप्रभु, कितना आरामदायक, सुखदायक उनका जीवन था।
लेकिन ठाकुर जी के सुख के लिए, भगवान नाम के प्रचार प्रसार के लिए इतना इको मत करो भाई। भगवान नाम के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान के सुख के लिए अपना सब सुख छोड़ दिया। इतने कोमल थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी जमीन पर घास के बिस्तर पर सोते थे। इतनी सुकोमल उनकी काया थी, लेकिन कमर पर एक वस्त्र लगाते थे बस। अद्भुत है। खैर, ऐसे महापुरुषों की याद आती है। कुछ सालों पहले हम जन्मते तो हम भी उनका दर्शन कर पाते, लेकिन ध्यान दीजिएगा, महापुरुष कभी कहीं जाते नहीं है। वे सदा विराजमान रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से अपने भावानुसार कार्य करते रहते हैं। महापुरुष कभी कहीं नहीं जाते। तो मीरा जी उनका सब काम ठाकुर जी की प्रसन्नता के अनुसार होता है। रसोई घर में भोजन भी मीरा जी बनाती तो ठाकुर जी को क्या प्रिय है, वही रसोई बनती। वैसा ही श्रृंगार करती, वैसे ही पद गाती, वैसा ही नृत्य होता, वैसे ही उत्सव होते। मेड़ता का राजभवन एक अद्भुत भगवत धाम बन गया मीरा जी के कारण। अब साधु संत लोग आते और वे जब सुनते कि एक छोटी सी कन्या इस प्रकार भक्ति भाव में लगी है, तो संतों का मन होता दर्शन करने का। तो संत लोग अब राजभवन में भी आने लग गए। अब राव दूदा जी तो बहुत प्रसन्न हुए कि हम बहुत हाथ जोड़ते थे, फिर भी संत लोग चार भुजानाथ के मंदिर को छोड़कर कभी भी भवन में नहीं आते थे, और धन्य यह मीरा जिसके कारण कितने बड़े बड़े संत सहज में घर में पधारते हैं। धन्य मीरा जिसके कारण कितने संत घर में आते हैं। राव दूदा जी बहुत खुश होते, लेकिन यह दादा और पोती बस ये दो ही राजी होते थे, बाकी किसी को घर में नहीं सुहाता संतों का आना जाना। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक पंडित जी थे, संतों के परम भक्त थे, गांव में कोई भी संत आता उसको तुरंत प्रार्थना करते, महाराज मेरे घर चल के भोजन करिए। लेकिन उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। पत्नी गुस्सा करती, कहां से बाबाओं को उठा लाते हो, हर समय तुमको और कुछ सोचता नहीं, कौन रोटी बनाएगा, कौन क्या करेगा, क्या क्या, ऐसे वो हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करती रहती। लेकिन पंडित जी की आदत ऐसी थी कि वो तो उनसे तो रहा नहीं जाता। वो तो अब एक दिन की बात, पंडित जी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, रास्ते में कुछ संत मिल गए।
तो पंडित जी ने संतों को कहा कि महाराज घर पे चलिए, भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। संतों ने कहा भाई भोजन करना तो है, बोले तो घर चलिए। योग से पंडित जी के ससुराल से साले और उनके बहनोई वगैरह वो सब आए हुए थे घर पे। तो पत्नी ने बहुत बढ़िया खीर और रसोई बढ़िया बनाई थी, आप जानते ही हैं पीर वाले आते तो कैसी बनती। तो बहुत बढ़िया रसोई पत्नी ने बना के रखी थी और कुछ काम में वो लगी थी। इतने में पंडित जी चुपचाप संतों को लाके बिठा दिए और जो रसोई उधर बनी थी वो सारी रसोई लाके संतों को परोस दी। अब संतों ने बड़े राजी हुए भाई, बोले कि महात्मा लोग बोले कि पंडित जी आपको पहले पता था क्या कि हम लोग आने वाले, इतनी बढ़िया रसोई आपने बना के रखी। पंडित जी बोले महाराज दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, आप तो प्रेम से भोग लगाइए और प्रसाद पाइए। महात्माओं ने भोग लगाया, इतने में वो पत्नी आई, देखे तो रसोई घर पूरा खाली। हे जो दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करण फल, तीर्थ कोटि स्नान करण फल, हे दर्शन ही ते पावत, दर्शन ही ते पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल उनका दर्शन करते ही प्राप्त हो जाता है। जा दिन संत पाहुने आवत, प्रफुल्लित बदन रहत निश दिन अति, चरण कमल चित लावत। संतों के शरीर से हर समय एक प्रसन्नता निकलती रहती, हर समय एक प्रसन्नता निकलती रहती। महाराज उनके समीप जाने से, उनके समीप बैठने से स्वाभाविक मन में आनंद आने लगता है, स्वाभाविक मन को प्रसन्नता प्राप्त होने लगती। प्राणनाथ, प्रफुल्लित वदन रहत निश दिन अति, चरण कमल चित लावत। और हर समय उनकी चित्त वृत्ति भगवान के चरणों में लगी रहती है। मन वच कर्म और नहीं जानत, मन से वचन से कर्म से और कुछ दूसरा नहीं जानते। क्या जानते हैं? ए जी सुमिरत और सुमिरावत, सुमिरत और सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने। और मिथ्यावादी उपाधि रहित वे विमल विमल जस गावत। माता जी, मिथ्यावादी उपाधि रहित वे फालतू की बात नहीं करते हैं, कौन चुनाव जीता, किसकी सरकार बढ़िया, किसको क्या कैसे क्या वो क्या वो क्या, ये सब ये तो एक ऐसे ही प्रवाह में बता रहा, कोई मिथ्या फालतू की बातें नहीं करते। मिथ्यावादी उपाधि रहित वे किसी प्रकार के सम्मान की इच्छा नहीं करते कि हमारा सत्कार हो, हमारा फलाना हो, ढिकला हो, वो कुछ नहीं। विमल विमल जस गावत, और खूब बढ़िया से भगवान के गुणों का गान करते हैं। ए जी सूरदास प्रीति कर उन सो, ए जी सूरदास प्रीति कर उन सो, जो हरि सूरत करावत,
जो हरि सूरत करावत। सूरदास जी कहते उनसे प्रेम करिए जो हमको भगवान की याद कराते, उनसे प्रेम करिए जो हमको भगवान का स्मरण कराते। सूरदास प्रीति करउन सो, सूरदास प्रीति करउन सो, जो हरि सूरत करावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करन फल, तीर्थ कोटि स्नान। पीछे पीछे गाइए ना, कोई टिकट लगता है क्या पीछे गाने का? तीर्थ कोटि स्नान करन फल, तीर्थ कोटि स्नान करत फल, दर्शन ही ते पावत, दर्शन ही ते पावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। मेरे भाई बहन, संतों का दर्शन इस बात की सूचना देता है कि भगवान हम पर राजी है। संतों का दर्शन इस बात की सूचना है कि भगवान हम पर राजी है। सूरदास जी ये बात कह रहे हैं। दूसरा पद, प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, जब द्रवे दीन दयाल राघव। रामचरितमानस तुलसीदास जी कहते हैं भगवान दया करते हैं तब क्या देते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज जी भगवान हम पर राजी हैं इसका पता कैसे लगाया जाए? महाराज जी ने कहा, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, वो सेठ आपकी तनख्वाह बढ़ा दे तो समझना चाहिए कि सेठ आप पर राजी हैं। आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, वहाँ आपका प्रमोशन हो जाए तो समझना चाहिए वो अधिकारी आप पर राजी है, और जीवन में जब संतों का संग मिले तो समझना चाहिए भगवान आपके ऊपर राजी है। पूज्य स्वामी जी की कही बात। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। भगवान जब दया करते हैं जीव के ऊपर तब उसको संतों का संग प्राप्त होता है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई और तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे ना कोई। भक्तों का दर्शन करने से कोई पाप नहीं रहता। हरि लीला आवेश होई मन, मन में भगवान की लीला का आवेश होता है। कभी हम खुद को वृंदावन में पाते हैं, कभी हम खुद को अयोध्या में पाते हैं, ये भगवान की लीला का आवेश है। आपको पता है कभी कभी किसी को देवता आते हैं ना, किसी को माता जी आती हैं, किसी किसी को हनुमान जी भी आते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से हनुमान जी को इतनी फुर्सत नहीं कि वो कहीं आए जाए, लेकिन फिर भी आते हैं किसी को, किसी को माता जी, किसी को हनुमान जी, किसी को और देवी देवता आते हैं। वो एकदम लोग कहते हैं कि महाराज उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी एकदम आकृति बदल जाती है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वो क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो एक आवेश होता है।
आवेश के कारण उनकी आकृति, उनका बोलना करना सब बदल जाता है। ऐसे ही महाराज भगवान की कथा में भी हमको एक आवेश होता है, उस आवेश के कारण आकृति तो नहीं बदलती है, आवाज तो नहीं बदलती है, लेकिन चित्त की वृत्ति बदल जाती है, चित्त की वृत्ति बदल जाती है। हम अपने आप को वृंदावन में अनुभव करते हैं, अयोध्या में अनुभव करते हैं, हम अपने आप को भगवान के नजदीक अनुभव करते हैं, भगवान के करीब अनुभव करते हैं। और किसी विशिष्ट व्यक्ति का नजदीकी होने पर जो अनुभव होता है उससे भी ऊंचा अनुभव होता है, क्योंकि हम सत्संग में होते हैं तो भगवान के करीब होते हैं। क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा गुणगान करते वही मेरा निवास स्थान है। इसलिए किसी गजल की पंक्तियां हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तो भाई ऐसे ही हम जब तक सत्संग में बैठे हैं, हम जब तक कथा में बैठे हैं, तब तक हम खुश नसीब हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के करीब, जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर भगवान के करीब हैं। इसलिए एक अलग आवेश होता है। हरि लीला आवेश होई मन, सकल वासना भागे। मन में और दूसरे जितनी भी वासनाएं सब भाग जाती हैं। और सूरदास निश्चय विचार करी, हरि स्वरूप जब भासे। सूरदास जी कहते हैं, निश्चय मान करके चलिए कि जब भगवान के भक्तों का दर्शन होगा, भगवान के भक्तों की कृपा होगी, तो भगवान का दर्शन जरूर होगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन अवश्य होगा। सूरदास जी ऐसी बात कहते, इसलिए जा दिन संत पाहुने आवत